वेलकम बैक टू एडिशन चैनल जूनियर्स। तो आज हम इस वीडियो का थ्रू आप सभी के साथ जेनपास 2022 के अंदर आपका टोटल बीएमएलटी कॉलेजेस कितना है एंड इसके साथ साथ टॉप 10 बीएमएलटी कॉलेजेस के अंदर कौन सा कॉलेजेस आता है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में लेकर ये चीज आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो फिर आज का टॉपिक है उसको और चलते हैं। जेनपास 2022 के अंदर आपका टोटल 20 बीएमएलटी कॉलेजेस है, इसमें से आपका दो गवर्नमेंट कॉलेज है एंड बाकी 18 कॉलेजेस आपका जो है आपका प्राइवेट कॉलेजेस है। तो चलो आप सभी के साथ इस वीडियो का थ्रू शेयर करेंगे टॉप 10 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस के नाम। तो चलो फिर देख लेते हैं। ये जो ट्रेंड सीरियल हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे, ये आपका वो कॉलेज का लोकेशन, उस कॉलेज का प्राइस मतलब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है एंड इसके साथ साथ वो कॉलेज पर कैसा आपका पेशेंट आता है, ये सब कुछ देखते हुए आप सभी के साथ ये ट्रेंड सीरियली शेयर कर रहे हैं। तो चलो फिर देख लेते हैं एक के बाद एक। तो यार फर्स्ट आपका आता है स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिकल साइंस कोलकाता, तो ये आपका गवर्नमेंट राइट्स कॉलेज है एंड ये आपका एक नंबर पर आता है। देन आपका कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंस, तो ये आपका सेकेंड नंबर कॉलेज के अंदर आता है बीएमएलटी के अंदर एंड ये भी आपका गवर्नमेंट है। तो ये एक एंड दो जिसका नाम बताया ये आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस है एंड यहाँ पर आपको पर ईयर 15 के देना है, मतलब आपका जो कोर्स फीस है वो आपका पर ईयर 15 के है एंड यहाँ पर अगर आपको कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको टिल मॉप अप आपका रैंक जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 631 के अंदर रहना चाहिए जो आपका लास्ट ईयर गया था। ओबीसी ए में आपका 989, ओबीसी बी में आपका 844, एससी में आपका 1866 एंड एसटी में आपका रैंक अगर 10K to 15K के आसपास है तो आप सेफ हो, इससे भी नीचे चला जा सकता है। तो ये जो कट ऑफ आप सभी के साथ अभी मैं शेयर किया ये आपका गवर्नमेंट बीएमएलटी कॉलेज पाने के लिए एक सेफ रैंक होगा। इसके बाद आप सभी के साथ प्राइवेट कॉलेज के बाद शेयर करते हैं। तो देखो प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपका एक नंबर पर आता है केपीसी मेडिकल कॉलेज, इसका जो फीस स्ट्रक्चर वो आपका 2.6 लाख के आसपास है हॉस्टल छोड़कर, तो ये आपका कोर्स फीस है 2.6 और 7 लाख के आसपास। इसके बाद आपका दो नंबर जो कॉलेज आता है वो आपका बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, तीन नंबर पर आपका आता है सेवायतन स्कूल ऑफ मेडिकल जो आपका टेक्नोलॉजी है वो कॉलेज, देन आपका आता है पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पाँच नंबर पर आपका आता है IQCT मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सिक्स नंबर पर आपका आता है गौरी देवी नर्सिंग एकेडमी, सात नंबर पर आपका आता है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल साइंस बर्धमान, आठ नंबर पर आपका आता है बिनॉय चौधरी मेमोरियल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर, नाइन नंबर पर आपका आता है बेलूर श्रमजीवी स्वास्थ्य समिति का जो हॉस्पिटल है वो आपका आता है, देन आपका टेन नंबर पर आता है मिदनापुर सिटी कॉलेज एंड ये आपका टॉप 10 आपका प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर किया टॉप 12 गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट, तो इसको छोड़कर भी अदर्स और भी कॉलेजेस है, टोटल और भी 8 कॉलेजेस है, इसको छोड़कर भी टोटल आपका 20 कॉलेजेस आता है बीएमएलटी के अंदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मिलाकर। तो ये सभी कॉलेजेस का अगर आपको सीट मैट्रिक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, वहाँ पर मैं आप सभी के साथ जेनपास 2022 का सीट मैट्रिक्स शेयर कर दिया। यहाँ पर मैंने जो आप सभी के साथ प्राइवेट कॉलेजेस का लिस्ट शेयर किया, तो प्राइवेट कॉलेजेस का जो कोर्स फीस है यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख के आसपास आपका जो है कोर्स फीस रह सकता है। तो यही आपका टोटल जो आपका टोटल बीएमएलटी कॉलेजेस है एंड बीएमएलटी कॉलेजेस का फुल डिटेल्स। तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने अंदर फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर बाय।